नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द अमेजिंग ग्रीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया कंटेंट लेके। और सबसे पहले मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। तो आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहें आप और मुझे प्रोत्साहन देते रहें। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और जनरल सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिन्होंने मेरे से एक डिमांड की थी कि हमें एक प्लांट के बारे में जानकारी दीजिए और उस पौधे का नाम है ऑर्चिड। ऑर्चिड प्लांट्स बेसिकली हमारी बुक्स में भी पढ़ाया जाता है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं और इनकी केयर करना और इनको लगाना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि हमें ऑर्चिड्स की केयर करना और उसको किस तरीके से लगाया जाए, तो ये हमें थोड़ा सा बताएं। तो मेरे पास बेसिकली ये पौधा अवेलेबल नहीं था, तो मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए मैंने ये पौधा आज ऑनलाइन मंगवाया है और वो पौधा मुझे रिसीव हुआ है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पौधे को किस तरीके से लगाया जाता है, इसकी केयर किस तरीके से की जाती है और इससे कितने सारे आपको फूल जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो आइए मैं दिखाता हूं जो मुझे आज पौधा मुझे रिसीव हुआ है उसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा कि उसके बीच में मुझे क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन आज ऑर्चिड्स मंगवाए हुए हैं। और ऑर्चिड्स बेसिकली क्या हैं कि एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये खासकर जो विंटर सीज़न होता है इसमें ये खूब सारे फूल देते हैं। तो ये मैंने मंगवाया है ऑर्चिड और इसमें मैं अब ओपन करके दिखाऊंगा कि इसमें मैंने क्या क्या मंगवाया है। बेसिकली इसका जो मटेरियल होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि ये प्लांट्स जो होते हैं ये मिट्टी में कम लगाए जाते हैं। इनके लिए अलग टाइप का हैबिटेट और अलग टाइप का एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने ऑनलाइन इसका एक कॉम्बो पैक मंगवाया हुआ है जिसमें मुझे सारी चीज़ें मिल जाएं। तो आइए मैं इसको दिखाता हूँ आपको खोल के कि किस तरीके से इसमें से कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या निकलती हैं और इसको कैसे हम लोग आगे लगाएंगे। तो मैं इसकी ओपनिंग करता हूँ। तो ये देखिए बॉक्स है, बॉक्स के अंदर काफ़ी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, 4-5 चीज़ें हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि इस प्लांट के लिए एक अलग टाइप का हैबिटेट होता है। तो ये एक कॉम्बो पैक है जिसमें 3 पौधे हैं। सबसे पहले ये देखिए और ये देखिए, ये छोटे छोटे पॉट्स में ऑलरेडी इन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये 3 पौधे बड़े सॉफ्ट, बड़े डेलिकेट से पौधे हैं और अभी काफ़ी ये फ्रेश हैं। और इस तरीके से इनको देखो, ऑलरेडी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पैकिंग करके रखा हुआ है। तो इनको मैं एक साइड पे रखता हूँ और बाकी चीज़ें दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। और ये 3 पौधे आ गए। ओ हाँ, 3 पॉट्स भी इन्होंने मुझे दिए हुए हैं। और ये देखिए पॉट किस टाइप के हैं, बिकॉज़ ये जो पौधे होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं ये थोड़ी सी एरियल टाइप की रूट्स होती हैं, इनको हवा चाहिए होती है। इन पौधों को, इन जो रूट्स को हवा चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी एयरी टाइप के पॉट्स हैं और इनमें वाटर लॉगिंग नहीं रहनी चाहिए, पानी बहुत कम चाहिए होता है। और जिसकी वजह से ये काफ़ी स्पेस इन्होंने बनाई हुई है बीच में, ताकि जो भी ओवर वाटरिंग है वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाए। तो 3 पॉट हैं, 3 प्लांट्स इन्होंने दिए हुए हैं और इनको ऑलरेडी इन्होंने छोटे छोटे पॉट्स में लगा के ही भेजा हुआ है। उसके बाद एक बीच में ये क्या है, ये है मिरेकल ग्रो नाम का एक फर्टिलाइज़र भेजा है, जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र क्या है कि ये पाउडर है और इसको इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि 1 स्पून डालना है 1 लीटर में और इसको प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करना है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन प्लांट्स के ऊपर ही स्प्रे करना है, कोई भी प्लांट। ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, मतलब कि ये लीव्स के ऊपर, स्टेम्स के ऊपर स्प्रे करना है ताकि वो अच्छी ग्रोथ हो प्लांट की और वो फ्लावरिंग अच्छी कर सके। उसके बाद इसमें क्या है, ये हैं कुछ छिलके हैं ये प्लांट्स के, कोकोपीट वगैरह टाइप की, जो नारियल वगैरह का जो छिलका होता है वो है। एक पैकेट पूरा इन्होंने डाला हुआ है। और साथ में ही ये बीच में है कोयला, ये कोयला। और ये बेसिकली आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ
कि इन प्लांट्स की जो हैबिटेट है यानी कि एक इन्वायरमेंट है, इनको किस टाइप का चाहिए। ये मिट्टी में नहीं लगा सकते आप लोग, जो सॉयल मिक्स बनाना है उसमें हम मिट्टी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं इन ऑर्चिड्स की, ये बेसिकली एरियल टाइप की रूट्स होती हैं, इनको हवा खूब चाहिए होती है। और बेसिकली ये प्लांट्स जो होते हैं ये ज़्यादातर जंगलों में प्लांट्स की टहनियों के ऊपर जहाँ पे भी सड़ी गले छिलके वगैरह होते हैं उनके ऊपर ये उग जाते हैं, तो और खूब सारे फूल देते हैं। अगर हम इनकी स्पीशीज़ की बात करें तो कोई 20,000 वेराइटीज़ इन ऑर्चिड्स की अवेलेबल हैं हमारे इन्वायरमेंट में। और हिंदी में जैसे एक नरगिस के फूल आते हैं, वो फूल जो हैं वो ऑर्चिड्स के ही होते हैं, और अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर्स के फूल होते हैं। अभी मुझे तो पता नहीं है इसमें से कौन से कलर के फ्लावर्स निकलेंगे। फ़िलहाल मैं इसकी पॉटिंग कैसे की जाती है, इसको किस तरीके से इसको लगाया जाए गमले में, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ये जो इन्होंने बार्क के छिलके वगैरह जो भी इन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं, इसका मैं मिक्सचर आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनको प्लांट करना है। तो मैं एक ट्रे ले लेता हूँ और इसमें इस चीज़ों को मिक्स कर लूँगा, और ये इसमें मिक्स करेंगे। इसमें ये कुछ कागज़ वगैरह भी इन्होंने रखे हुए थे, और बेसिकली ये कोयला और ये जो छिलके हैं ये इसलिए हैं कि ये पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी इनके अंदर ज़्यादा होती है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसकी वजह से जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो रूट्स इसमें आके चिपक जाती हैं। और इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। और अब इनको आपने ये जो पॉट्स दिए हुए हैं इसमें आपने इनको भरना है। मतलब देखिए हमारे एनवायरनमेंट में किस तरीके से कितनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट लेके ग्रो करते हैं, और आप सोच भी नहीं सकते कि ये प्लांट्स, मिट्टी तो इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इनको किस तरीके से, ये सिर्फ एक छिलके हैं प्लांट्स के, कोयला है, इसी का मिक्सचर बस चाहिए और इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और ख़ासकर जो बरसात के जंगल होते हैं जहाँ पे बरसात वगैरह होती रहती है, उन जंगलों में इन प्लांट्स की बड़ी बहुत मात्रा में ये उपलब्ध होते हैं। और ये प्लांट्स जो हैं ये दूसरे प्लांट्स की टहनियों के ऊपर, छिलकों के ऊपर, जो भी टूटी फूटी जो उनकी ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर ये बड़े अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो मैं आपको एक प्लांट लगा के बताता हूँ कि किस तरीके से इसको आपने लगाना है। तो इस तरीके से आपने ये मिक्सचर भरना है, और एक प्लांट मैं ले लेता हूँ, इसमें से ये निकाल लेता हूँ। तो देखिए इसकी रूट्स देखिए कितनी अच्छी डेवलप्ड हैं, और ये काफ़ी एरियल रूट्स हैं, ये हवा चाहिए इनको, मेन इनका ये है कि इनको हवा चाहिए। और इसको मैं यहाँ पे इसके बीच में ऐसे रखूँगा, और इसके चारों तरफ ये मैं लगा दूँगा। कोयले के पीसेस हैं कुछ कुछ, ये प्लांट्स की बार्क है, ये मैंने इसको लगा दिया। तो इस तरीके से ये आपने लगा लेना है इसको। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने तीनों पॉट्स में इनको मैंने लगा दिया। तो सिर्फ ये जो बार्क मिले थे, छिलके मिले थे, कोयला था इसमें, बस इन दोनों का मिक्सचर इसमें हम लोगों ने डाल के इनको सेट कर दिया है। और अब इसकी हमने करनी है वाटरिंग। तो वाटरिंग फ़िलहाल आप लोग इसको अच्छे से इसकी करें, ताकि ये जो इसकी स्टेम के पीसेस हैं वो अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाएं, वो वाटर को रिटेन कर लें, और काफ़ी दिनों तक इसमें मॉइस्चर जो है वो बना रहे। क्योंकि अभी अभी नए नए ये प्लांट्स मैंने इसमें किए हैं, प्लांट किए हैं, तो ये क्या होगा कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा प्लांट्स को एडजस्ट होने में। तो इस तरीके से मैंने इसी ट्रे में फ़िलहाल इनको एक दो दिन के लिए रख देना है, ताकि ये पानी जो है ये नीचे से एब्जॉर्ब करता रहे, और सारा मॉइस्चर इन कोयले के पीसेस में, ये बार के छिलकों में जो भी हैं, ये सारा मतलब इसमें एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से हो जाए, और इसकी रूट्स जो हैं अच्छी तरह से डेवलप हो जाएं।
अब जब ये अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाएगी जगह, तो इसकी रूट्स अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस प्लांट्स की रूट्स हो सकता है आपको यहाँ से बाहर भी दिखें, तो इसमें कोई वो मतलब डरने की बात नहीं है कि रूट्स बाहर आ रही हैं, बिकॉज़ इसकी एरियल टाइप की रूट्स होती हैं, ये हवा काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, इनको बंद नहीं रखना है, इसीलिए ये इसी टाइप के पॉट्स डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेशली इनके लिए, ताकि ये जो हवा है ये क्रॉस होती रहे। और इनकी अब पोजीशन बतानी है कि कहाँ पे रखना है इनको। जब ये प्लांट्स अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं, तो इनको आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए, आपने इनको पार्शियल सनलाइट में रखना है, मतलब धूप भी मिलती रहे लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं, इनको पार्शियल सनलाइट मिलती रहे, और ये विद इन 35-40 डेज के बीच बीच में अब ये ब्लूम करेंगे। और इसका जो टेम्परेचर है, इन प्लांट्स को जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो है 16 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि हमारे अभी इधर सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो हमारा ये टेम्परेचर दिन का ये इस वक्त चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी जल्दी ये प्लांट्स जो हैं ये ब्लूम करेंगे और अच्छे अच्छे इसके ऊपर अट्रैक्टिव से फूल खिलेंगे, और जब ये फूल खिलेंगे इसके ऊपर तो मैं इसका अपडेट आप लोगों को ज़रूर दूंगा कि किस तरीके से मेरे प्लांट की ग्रोथ हो रही है और किस तरीके से ये मुझे रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो आज का काफ़ी पसंद आया होगा कि किस तरीके से इन ऑर्चिड प्लांट्स की देखभाल की जाए और किस तरीके से इनको लगाया जाए, और इसकी कटिंग भी बड़ी जल्दी लग जाती है। फ़िलहाल मेरे पास पौधे नहीं थे, अब मैं कोशिश करूँगा कि इन प्लांट्स को मैं बचा के रखूँ और आगे इन्हीं से नए नए पौधे मैं तैयार करता रहूँ। तो इसकी फर्दर अपडेट के लिए आप मेरे साथ ज़रूर बने रहें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मेरे चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे अपना प्यार देते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों आज मैं आपसे विदा लूँगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।